गाइस अभी इतनी रात में ना भाई एक कांड हो गया था, वो ना मैं तुम लोग को अभी तो नहीं सुबह को बताऊंगा। मतलब लास्ट वाला ब्लॉग तुमने देखा ही था ना, मैं ख़त्म करके सोया था। अभी ना गाइस फिलहाल रात के 3 बज रहे हैं और ना हम लोग ये हॉस्पिटल में आए थे, तुम लोग को दिख ही रहा है। मैं ना लिटरली बता रहा हूँ भाई, हम सब लोग ना टेंशन में आ गए थे। पापा भी नहीं है, तुम लोग को पता है पापा जबलपुर में। हम लोग ना फटाफट ढूंढ रहे थे इधर उधर हॉस्पिटल, तो भाई फिर हमको फाइनली एक हॉस्पिटल मिला। हाँ मम्मी इसको गाड़ी में रख दो भाई, फिर हम लोग यहाँ आके हमने कराया। अभी ये सब बात मैं तुम्हें कल बताऊंगा एग्जैक्टली, है ना। नमस्ते, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई शुभम भाई का अभी कुछ ऐसा सीन है, तो शुभम ना शायद 2:30 के आसपास ना वॉशरूम में था, तो देन जैसे ही ये वॉशरूम से बाहर आया और इससे मुझे उठाया, कहता है कि सौरभ मुझे शायद स्टमक एक हो रहा है, तो कोई मेडिसिन वगैरह ले आ तू जाके नीचे मेडिकल से। तो मैंने इसको बोला भाई स्टमक एक कैसे हो गया, अपन दोनों ने तो मतलब जो भी खाया एक जैसे ही खाया, ऐसा कुछ अलग तो खाया नहीं, और ऐसा भी इसने कुछ ऐसा खराब सा तो कुछ खाया नहीं था, तो मुझे लगा भाई शायद गैस वगैरह तो नहीं बन रही, क्योंकि इसने सोने से पहले ना दूध और केला पी लिया था गाइस, तो मुझे लगा शायद गैस इश्यूज तो नहीं हो रहे, क्योंकि शुभम भाई थोड़ा ना गैस वगैरह की गोली थोड़े टाइम से खा रहे थे पहले, तो आई थॉट कि हो सकता है शायद गैस वाला इशू हो। तो ना गाइस वॉक वॉक किया 5-10 मिनट, बट वो ठीक नहीं हुआ, और उल्टा ना जो पेन था वो धीरे धीरे थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। फिर जो भी हुआ तुम लोग ने देखा ही था ब्लॉग के स्टार्टिंग में, हम लोग रात में भाई क्या हुआ 3 बजे के आसपास हम लोग जो है भाई हॉस्पिटल में ही थे, हमारे कॉलोनी के पास में ही एक है, वहां हम लोगों ने गैस से रिलेटेड जो भी होता है भाई वो सब मेडिकेशन और ऑल इसको करवाया। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि 15-1 मिनट वेट करते हैं, इशू रिजोल्व हो गया जो है ठीक है, और अगर नहीं होता तो अपन को पेन किलर देना पड़ेगा। तो भाई वाले मेडिकेशन के बाद ना हम लोग 15-1 मिनट लेके हमने वेट करा, पर वो जो है पेन वगैरह तो गाइस कम ही नहीं हुआ। फिर फाइनली हम लोग ने ना पेन किलर लगवा लिया, और पेन किलर लगवाने के बाद भाई फिर हम लोग घर चले गए, हम लोग सोए। और हम लोग का वैसे भी था कि कल जो शुभम का मेन हॉस्पिटल है ना, जहाँ उसके मेन डॉक्टर है जो उसको देख रहे हैं काफी टाइम से, लाइक लास्ट 3 मंथ से, हमने सोचा कि वहीं पे हम लोग सुबह जाके बात कर लेंगे। पर ना 7:30-8 बजे फिर से जो है सुबह सुबह ना इसको वही पेन वापस रिपीट हो गया, तो इसने मम्मा को उठाया, मम्मा ने मुझे उठाया, फिर हमने कहा भाई चलो अब देरी नहीं करते हैं, फटाफट यहीं आ जाते हैं। यहाँ पे उसका फिर से मेडिकेशन वगैरह लोगों ने चल ही रहा है, तो अब तो कुछ सीन ही नहीं है, मतलब वो जो पेन वगैरह था वो खत्म हो गया वापस से। डॉक्टर ने बोला है कि हम जो है भाई 16 घंटे या 14 घंटे के आसपास तो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, हो सकता है कि पूरा दिन यहीं पे ही जाए। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कि शुभम भाई दिक्कत में पेन हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, बस ये है कि अब ना ऑब्जर्वेशन में रखा है 14-16 घंटे मैंने बताया ना। तो मैं भी बाहर आ गया गाइस, मैं भी जब से मतलब काम में ही लगा था, मतलब इधर उधर भागा दौड़ी चल रही थी, फिर अभी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग करता हूँ, तुम लोग को बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हेलो गाइस, चले चिकन पार्टी करने, चलो चलो शिवम भाई को यही छोड़ देते, अपन चलते चिकन पार्टी करने। आ जा बैठे अंदर, आ जाओ, क्या ऑपरेशन चल रहा है क्या? हाँ ICU में भर्ती है शिवम भाई, आ जा अंदर, आ जा उधर से, आ जा अंदर बैठे के धूप हो रही बाहर, तो तू मेरे को दे रहा गाड़ी चलाने को, चला ले भाई आज तू चला ले रैम्बो, खर्चा पानी तू कर देना अगर ठुक गई तो। अभी 26,000 मांग रहे कंपनी वाले मुझसे, कह रहे इंश्योरेंस रिन्यू करा लो, मुझसे कहते भाई वो लोग 26,000 का, मैंने कहा मैडम अभी फोन रख दो, यूट्यूब इनकम तो आ नहीं रही, कह रहे इंश्योरेंस रिन्यू करा लो। चलो गाइस अभिषेक भाई आ गए, जरा हम इनसे थोड़ी गटर मस्ती कर ले, वरना ये मजाक बना देंगे अभी। अभी आते से नहीं कह रहा शुभम भाई तो अंदर है, चलो अपन चिकन खाने चलते। शुभम भैया के लिए आया हूँ मैं, तेरे लिए थोड़ी आया हूँ बेटा। पर तुम इंसान भी तो वैसे लायक हो कि तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर बुलाया है, अंदर आके डॉक्टर के सामने कहते शुभम भैया फिर हम जाए चिकन पार्टी करने। आ रहे हो आप भाई, भाई अला ब्लॉग देखेगा ना बाद में, इतनी गालियां देगा अपन लोग को, तेरे को भी मेरे को भी, इस साले में वहां पढ़ा था तुम लोग ये सब बातें कर रहे। चलो गाइस रुक जाओ, हमारा भाई एडमिट है और मजाक मस्ती चल रही है। मम्मा का फोन आया, कहती मैं रास्ता खो गई बेटा अस्पताल के बाहर का, भी वहाँ खड़े होके हंस रही, रुको दिखाता रास्ता कैसे खो गई थी। नहीं भैया एकदम सुबह से गए ऊपर, तो समझ में नहीं आया ना किधर जाना है भाई, कोई भी चक्रा जाएगा एकदम घुसेगा, इतनी पहली बार तुम अपनी एडवाइस मत दो। पहली बार 2 मंजिल का हॉस्पिटल है, 2 या 3 फ्लोर का, कहती मैं खो गई, 3-4 भाई नहीं लिफ्ट से गए थे भाई। मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर को उतराओ भाई, हॉस्पिटल खो कैसे सकती है हॉस्पिटल में। नहीं घबरा रही थी है? मुझे फोन करी कहरी तू आ जा मुझे लेने, मेरे को मिल रही ना रास्ता अस्पताल के बाहर नहीं आ पा रही। क्या हुआ तुम्हारा लड़का? ठीक हो गया लड़का? ठीक हो गया, थोड़ा ठीक है अभी, रिलीफ है उसको, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल। तो गाइस अभी हम लोग आ गए घर पे, मम्मा को जो है हमने कर दिया ड्रॉप, और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई इडली सांभर सूतने, है ना भाई।
तो गाइस अभी ना हम लोग ने इडली सांभर खाया और भाई ट्रस्ट में इतना गंदा खाना, वो सही बता रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा नहीं था उसका टेस्ट। सांभर तो बिल्कुल ऐसा था कि भाई बिना सब्जी का सांभर क्यों। हाँ भाई, उसने जलजीरा की पैकेट में ला दिया सांभर में। भाई बहुत ही बकवास सांभर था। तो फिलहाल हम लोग ना एक प्लेस पे आ गए, यहाँ गर्मा गर्म जो है आलू के पराठे मिलते हैं गाइस, तो वो खाएंगे है ना। हमने ना पराठे वगैरह खा लिए और तुम लोग को बताया था ना हमारी सोसाइटी में पानी का इशू काफी ज्यादा टाइम से जो है गाइस चल रहा है, तो उसी के लिए ना सोसाइटी की ये देख लो वहाँ मीटिंग लगी हुई है, तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या भसड़ चल रही है ना। देखो गाइस यहाँ हमारे यहाँ लड़ाइयाँ चल रही है मस्त अंकल लोगों की, बस जो है मीटिंग चल रही है। क्या चल रहा है भाई? हम लोग आते हैं गोल चक्कर कुत्ते की तरह काट के एक ही जगह पे मूत के चले जाते पानी वाला सीन है, तो उसी का ना भसड़ चल रही है। कुछ लोग अपने ड्यूज क्लियर कर रहे हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं क्या होगा। वैसे होगा नहीं, कुछ निर्णय निकला कुछ नहीं आज की मीटिंग में। मैं तो थोड़ा लेट हुआ, कुछ भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। सही बात है, कुछ जब तक भाई मैं एक्टिव नहीं हूँ कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है, इनको बना दे क्या गाइस अध्यक्ष? तुम लोग कमेंट करो सोनमे भाई को जो अध्यक्ष बना दिया जाए। बाकी भाई तू इधर आ, कहाँ जा रहा है? इसको भाई कोने में लेके आओ। गाइस आप रुको, इसकी कंबल कटाई करनी पड़ेगी। इस सोनमे दादा को एक गिफ्ट दिया है, अभी बात दिखाओ तुम। सरप्राइज दिया है, वो सरप्राइज का क्या हुआ गाइस? ये है कौन सी वॉच है? एप्पल वॉच अल्ट्रा है ना गाइस? ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा जो सोनमे भाई को मैंने दी थी। चेक दिस आउट भाई, ऑरेंज स्ट्रैप में लिए हमने। वो भाई सेक्सी, बहुत अच्छी लग रही है। अरे मैसेज मत पढ़ा देना लोगों को मेरे भाई, लोगों को तो नहीं, ये है कि कोई दूसरी लड़की ना देख ले दूसरी लड़की का मैसेज। डर इस बात का है इसको। भाई रिव्यू दे दो मुझे घड़ी का, हमने प्रोडक्ट लाया तुमको दिया, कैसा है? कुछ दिक्कत तो नहीं आई? प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया था और पैकेजिंग माशाल्लाह। ये देखो जैसे ये अभी है ऐसा आया, हाँ, फिर वॉलपेपर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओ गाइस, मतलब महंगा सौदा है कुल मिला के भाई। हाँ, ये इसका ओरिजिनल प्राइस कितना आ रहा था सौरभ में? 89,000 समथिंग। सोच लो भाई 89 समथिंग की घड़ी है, और भाई जो है इतनी महंगे आइटम पहना देख रहा भाई। भाई सौरभ भाई से उधार लिया है ना? अरे बोल दो झूठी बात है गाइस, भाई सौरभ भाई से उधार लिया, चार किश्तें बनवाई है, 20,000 की चार किश्तें भरूंगा। सौरभ भाई ने खुद अपना मोबाइल किश्तों पे लिया, दूसरों को कहां से देता? सौरभ भाई ने मुझे स्पेशल 5,000 डिस्काउंट दिया क्योंकि मेरा पुराना कैशबैक नहीं आया था। वो मैंने नहीं, इनके ट्रेनर ने खाया है भाई। ओ मैं क्या बोल रहा हूँ ये तो आना चाहिए भाई, वो हर वीडियो में बदनाम करते हो भाई इनके ट्रेनर को। किनके भाई? इनके ट्रेनर भाई, वो इनका नहीं जगत ट्रेनर। पहली बात तो वो इनके नहीं जगत ट्रेनर है, जगत ट्रेनर है वो। आजकल के ट्रेनर हो बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। पानी वानी की समस्या बाद में हल करूंगा। नहीं रोको इधर आओ भाई, पानी की समस्या जो होगी बाद में हल। जो भोपाल में ट्रेनर हो ना आतंक मचाया, भोपाल के सारे ट्रेनर हो, भोपाल के सारे ट्रेनर हो, समझ जाओ अभी भी टाइम है, समझ लो अभी भी टाइम है। पीटी दोगे, पीटी दोगे तो बॉडी बनवाओगे, बॉडी बनवाओगे, वरना वरना तुम्हारी तोड़ देंगे, वरना अंटी बंटी संटी। आगे नहीं, आगे नहीं। कार के मजे, अपन को पार्किंग नहीं मिल रही थी तो भाई अपन ने तो यहाँ चढ़ा के लगा दी कोने में एक सलग रोड से, उबड़ खाबड़ सा था। कार के मजे यही होते हैं। मम्मा को वापस जो है हॉस्पिटल ले आऊं मैं। अब तो भाई यही राउंड लगेंगे गाइस मेरे, क्या ब्लॉक करूंगा दिन भर, समझ रहे हो? बस यहाँ आऊंगा जाऊंगा इन्हीं सब में लगा रहूंगा। अभिषेक भाई बस साथ में ही है, वो भी बस जा ही रहे। चलो गाइस अब अभिषेक भाई भी गए, हम लोग जो है आराम से चलो ब्लॉक को बंद करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, अंदर जाते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर तो क्या ही ब्लॉक करना है ना। गाइस फिलहाल तो जो है भाई मैं घर जा रहा हूँ, फिलहाल 3:30, हाँ 3:30 बज गए गाइस। अब मैं ना घर भी जा रहा हूँ, मुझे लग गई बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने रास्ते से अपने लिए भाई अभी धनिया मिर्ची ले ली क्योंकि घर में था नहीं। मेरा मन था कि अंडा भुर्जी बना लूँगा और रोटियाँ तो हैं ही तो वो खा लूँगा, बिकॉज अभी मम्मा हॉस्पिटल में है तो समझ रहे हो, सब्जी वगैरह अभी बना ही नहीं पाई सुबह से, वो भी उलझी हुई है, तो अंडा भुर्जी मैं बना के खा लूँगा। बाहर से भी कुछ खा सकता हूँ गाइस, पर आप देख रहे हो ना भाई सुबह उठते से मैंने बाहर का खा ही लिया थोड़ा थोड़ा। अभी पूरा दिन बाहर का खाऊंगा तो भाई मैं अलग ना बीमार पड़ जाऊँ, क्योंकि भाई अभी मुझे ही सारे काम वगैरह देखने हैं, समझ रहे हो ना, आना जाना सब मेरे को ही देखना है एटलीस्ट। तो भाई मैं जो है अपनी तबीयत का ध्यान रखूँ तो बेहतर होगा है ना। और घर पहुँच के अपन जो है मेरी जान, देखते हैं व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, अभी तो नहीं पता मुझे व्लॉग कितना बड़ा हो गया है। अगर मेरा व्लॉग 10 मिनट का,
बीमार नहीं होना गाइस, ये शेड डस्ट वाली चीक है। गाइस घर आ गए अपन और ब्लॉग का टाइम मैंने देख लिया, 8 से 10 मिनट का ब्लॉग बन जाएगा बिकॉज अभी तो मैं कट भी करूंगा ना, बहुत सारी चीजें एडिटिंग में ना कटिंग बहुत ज्यादा होती है, पर मुझे अंदाजा हो गया डेली ब्लॉग्स करते करते कि कितने मिनट्स का वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है कि 10 मिनट का वीडियो आपका बन जाता है भाई, इतना अंदाजा मुझे ना डेली ब्लॉग्स करते करते तो भाई दिमाग में बैठ गया। ठीक है तो चलो गाइस फिर मिलूंगा बहुत जल्दी तुम सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और हाँ कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं, तो वरिड मत होना कि शिवम भाई को क्या हुआ क्या हुआ, शिवम भाई बढ़िया है, शिवम भाई ठीक है, शिवम भाई बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। ठीक चल बाय बाय। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी छुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की।